आप सभी का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन चैनल पर मैं गौरव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए विषय पर आपके साथ हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्री हेमचंद्र जोशी जी। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो आज हम मेनली सुरक्षा की जो व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में बात करना चाहते हैं और इसीलिए हमारे साथ सुरक्षा अधिकारी जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका पुनः स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। थैंक यू। और सर, आपसे कुछ सवाल है मेरे, और उसमें से पहला सवाल ये है कि सर, इस विश्वविद्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए। बिल्कुल। विश्वविद्यालय की सुरक्षा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है, और जैसे हमारे विश्वविद्यालय के कई परिसर हैं, उन सभी परिसरों में मिला करके करीब 80 सुरक्षाकर्मी हर दिन तैनात रहते हैं। और जिसमें कि एक छोटा सा अपडेट देता हूँ मैं आपको, श्रीनगर में हमारे 33, चौरास में करीब 25 आदमी, और टेहरी परिसर में 15, और पौड़ी परिसर में 7 सुरक्षाकर्मी अभी इस वक्त तैनात हैं। जी सर। और सर, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं विश्वविद्यालय के अंदर? सुरक्षा कर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है टू सेफगार्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सरकारी संपत्तियों को किसी तरह की टूट फूट, चोरी या नुकसान से बचाना इस हमारा प्राइम काम है। इसके अतिरिक्त टीचर्स, स्टूडेंट, अधिकारी, कर्मचारियों के बीच में भी सुरक्षा का माहौल कायम रखना, ये भी हमारा कार्य है। हम इसको अपना एक कार्य का हिस्सा समझते हैं और इसके लिए लगातार कैंपस में, परिसर में विजिट या पेट्रोलिंग गश्ती की जाती है और इस तरह के सुरक्षा के माहौल को कायम रखने की कोशिश की जाती है। सर, किसी भी अप्रिय स्थिति में क्या व्यवस्था रहती है और किस तरह की अप्रिय स्थिति विश्वविद्यालय में कई तरह की हो सकती है। जैसे कभी आंदोलनरत जो स्टूडेंट हो, एजिटेटर्स स्टूडेंट होता है, उनका आंदोलन होता है, एक मॉब में, भीड़ में आते हैं और उनको रोका जाता है, वो भी विवेक के साथ रोका जाता है क्योंकि स्टूडेंट हैं, ताकि उनके आंदोलन, जायज आंदोलन को का भी हम ध्यान रखते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, सरकारी संपत्ति का नुकसान उनके द्वारा भूलवश ना हो पाए, इससे हम उनको आगाह करते हैं और इस तरह सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा अनटूवर्ड स्थिति आपने बोला, जैसे कि आग लगना, कई बार विश्वविद्यालय में भी हाल ही में आग लगी थी, उसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत रहते हैं, सुरक्षाकर्मियों को ट्रेंड किया जाता है और किस तरह से अनटूवर्ड स्थिति में, आग जलने की स्थिति में किस तरह से आग पर काबू पाना है, वो कार्य फायर एक्सटिंग्विशर या फायर बीटर, फायर इक्विपमेंट की मदद से लगातार किया जाता रहा है। जी सर। तो सर, एक सुरक्षा अधिकारी के नाते आप विश्वविद्यालय के सभी जो छात्र हैं या सभी जो अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, पूरे विश्वविद्यालय के परिवार से आप क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? अपेक्षा ये है कि विश्वविद्यालय सुरक्षा एक विश्वविद्यालय का अभिन्न हिस्सा है, उसको ये मान के चलें और जो भी विश्वविद्यालय की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारियों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं समय समय पर, उसको सभी विश्वविद्यालय टीचरगण हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों या स्टूडेंट हैं, सामंजस्य बनाते हुए चलें और उन सभी निर्देशों का वो भी पालन करें। सर, जैसे ये नया सत्र जो है ये शुरू हो चुका है और साथ ही अभी छात्र संघ चुनाव भी होने वाले हैं, तो उस छात्र संघ चुनाव की क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है और कैसे आप इस छात्र संघ चुनाव को एक अच्छे माहौल में पूरा करना चाहते हैं? विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और इसको सक्सेसफुली संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों की लगातार गश्त और ड्यूटी के साथ साथ पुलिस बल का उपयोग किया जाता है किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए। और छात्रों से मेरा अनुरोध है, सब मिलजुल के कार्य करें, आपका चुनाव, आपको उसके लिए बधाई है और आपका चुनाव सुरक्षित माहौल में संपन्न होए, ये मेरी कामना है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल का उपयोग जरूर किया जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुरक्षा अधिकारी श्री हेमचंद्र जोशी जी,
तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों, स्कूल ऑफ एजुकेशन इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और वीडियो बना रहा है, और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां प्राप्त कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।